हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन कैरियर प्लस चैनल। आज हम बात करेंगे जो है यूज़ ऑफ इट। मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हम इट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। आज हम बताएंगे इसमें एग्जांपल के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से समझाएंगे कि ये जो है इट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, है ना। और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और अंत तक देखिएगा इस वीडियो, क्योंकि आपको अगर कोई भी स्टेप अगर आपने मिस करा तो इट का प्रयोग हमें सही तरीके से नहीं आएगा। इट का प्रयोग प्राय जो होता है वो निर्जीव वस्तु, है ना, अथवा छोटे प्राणियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में होता है और दिन की भिन्न भिन्न घड़ियाँ जैसे कि महीनों, वर्षों एवं दिनों के नाम सूचित करने के लिए भी मतलब होता है इट का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है, जैसे प्राकृतिक घटना होती है, गर्मी है, वर्षा है आदि प्रकट करने के लिए भी जो होता है इट का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। ऐसे हम नापतौल के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि निर्जीव चीज़ जैसे क्या होती है, हम कैसे लगाते हैं इसको। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है आपके लिए, जैसे कि यह है मेरी अंगूठी, ठीक है, यह मेरी अंगूठी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे इसको बनाते हैं, हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। यह मेरी अंगूठी है तो हम जैसे इट से बना सकते हैं कि निर्जीव चीज़ है, इसके अंदर जान तो होती नहीं है, तो इट इज़ मेरी की हो गई यहाँ पे माई, ठीक है, और अंगूठी को भी रिंग, ठीक है, RING रिंग, ठीक है, इट इज़ माई रिंग। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज माई रिंग, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस रिंग इज माइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला सेंटेंस कौन सा है कि वह एक मकड़ी है या मकड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमें जो करना क्या है, जैसे हमने लिख दिया कि हाँ भाई वह एक मकड़ी को कहते हैं हम स्पाइडर, ठीक है, मकड़ी है, तो हम ये अफर्मेटिव चल रहे हैं अभी हमारे, ठीक है। फिर हम इसके जो है नेगेटिव आपको बताएंगे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया कि दिन के भिन्न भिन्न कुछ भी चीज़ हो, यहाँ पे करेंगे इट विल होगी, ठीक है। यहाँ पे हम जो कर देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मकड़ी होगी, ठीक है, या फिर होगी या फिर है, ठीक है। हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख दिया इट विल वी और इसमें पकड़ी हुई स्पाइडरमैन, ठीक है। स्पाइडरमैन इससे ही बना है SPIDER, ठीक है। अब देखते हैं हम दिन की भिन्न भिन्न घड़ियाँ, जैसे मौसम हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए हम जो है लगाते हैंगे, ठीक है, या दिनों के नाम हो या फिर कैसे भी हो, उसके हम देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हम जो है जैसे कि इसमें दे रखा है कि जैसा हम लिख दिया यहाँ पर प्रातः काल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हम प्रातः काल हो गया है, ठीक है। तो अब जैसा कि हमने ये लिख दिया प्रातः काल हो गया है, तो हम कैसे इसको बनाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे इट इज और यहाँ पे लिख दिया हमने मॉर्निंग MORNING, ठीक है। यहाँ पर हो गया इट इज मॉर्निंग, प्रातःकाल हो गया है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको हमें एक जो है एक काल है, कहने मतलब क्या, एक दिन की शुरुआत हो रही है, तो हम इट से दिखाएंगे, क्योंकि हमने बता दिया है यहाँ पे हम इट का प्रयोग घड़ी के लिए, महीनों के लिए हम करते हैं। जैसे कि हम लिखें आज सोमवार है, ठीक है, जैसे हम लिख दिया कि आज सोमवार है, ठीक है, तो हम दिनों के नाम होंगे तो हम इट से प्रयोग करेंगे, आज सोमवार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो है कैसे करेंगे इसको, आज के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इट इज मंडे MONDAY मंडे और आज के हम लिख देंगे टूडे, ठीक है, TODAY टूडे, ठीक है। तो जैसे कि इस तरीके से है, जैसे अभी महीना कौन चल रहा है, जून का महीना चल रहा है आपके लिए, ठीक है, जून का हमारा महीना चल रहा है, और हम कैसे इसको बताएंगे कि जून का महीना था या जून का महीना है, ठीक है। अगर है तो इज लगा देंगे, था तो बाद लगा देंगे, तो जून का महीना था, तो भाई हमने अब इसमें है वाले कई सारे सेंटेंस हो गए, तो आज हमने था वाला भी बता रहे हैं आपको। तो हम इट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, हम इट इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे वाज, इसके बाद जून के लिख देंगे यहाँ पे जून, और महीने को हम कहते हैं इंग्लिश में मंथ, MONTH,
TH, ठीक है, ये हमारा मतलब हो गया है, ठीक है। और जैसे कि समय को दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया इसमें जो है आदि समय के लिए, इसके बाद समय जैसे दर्शाते हैं, जैसे कि आप जैसे 10 बज गए हमारे, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम जैसे हमने लिख दिया कितने बजे, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इसमें जो है हेल्पफुल होती है, जैसे 10 बजे बजे का समय, ठीक है, 10 बजे का समय है, समय है, ठीक है। तो हम जो है कैसे इसको करते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे इट, इसका लिख दिया इज, इसका लिख दिया टेन, TEN, टेन ओ क्लॉक, ठीक है, CLOCK, ठीक है, टेन ओ क्लॉक, 10 बजे का समय है, इट इज़ टेन ओ क्लॉक, ठीक है। ये चीज़ हमारी इसमें हो गई। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं जो इसमें जो है, इसमें जो और इसमें निगेटिव देख लेते हैं। अभी तक आपने देखा अफर्मेटिव है ना, आप देखेंगे निगेटिव। अब जैसे निगेटिव कैसे करेंगे, तो निगेटिव में हमें जैसे कि हमने लिख दिया कि इसमें पहला सेंटेंस लेते हैं हम निगेटिव का, ठीक है। जैसे अंग्रेजी बोलना सरल नहीं है, सीधी सी बात है ये, तो मतलब हमने लिख दिया कि अंग्रेजी जो होती है, मतलब अंग्रेजी बोलना सरल नहीं है, ये मैंने इंग्लिश में सेंटेंस दिया है, ठीक है, ये हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है। तो हम जो है इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इंग्लिश में हमने बनाया तो हम जो है इसको इंग्लिश में देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। इट से बनाएंगे इस सेंटेंस को, इट इज नॉट, इट इज नॉट ईजी, ई ए एस वाई, इट इज़ नॉट ईजी है ना टू स्पीक, एस पी ई ए के स्पीक इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एस, ठीक है। ये हमारी मतलब इट से सेंटेंस बन गया है, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया कि कल बादल नहीं होंगे, हमने सबको अंदाज़ा लगा दिया, ठीक है। तो हमने जो है अंदाज़ा हमने लगा दिया कि कल बादल नहीं होंगे, तो हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। ये हमारे नॉट वाले चल रहे हैं, ये हमारे नहीं वाले चल रहे हैं। अभी तक हमने अफर्मेटिव देखे थे, अब देखेंगे इसके निगेटिव वाले। जैसा कि हम लिख दिया यहाँ पर, कल बादल नहीं होंगे, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, कल बादल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम इट है ना, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे विल, ठीक है, इट विल, फिर लगा देंगे नॉट, ठीक है, इट विल नॉट बी, अब बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड, तो CLOUDLY, तो हमने क्लाउड लगा दिया, नॉट का प्रयोग कर दिया, क्लाउडली, और फिर हमने कल की हो गई टुमारो। इसमें अगर सेंट है हमारा फ्यूचर में तो टुमारो लिख देंगे, सेंट है पास्ट में तो यस्टरडे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे TOMORROW, ठीक है, ये हमारा इसमें हो गया है, ठीक है। ऐसे ही किसी समय को दर्शाने के लिए है ना, तो उसके लिए कर देते हैं है ना, जैसे कि किसी की जैसे कि नाप तोल के लिए करते हैं, 2 किलो नहीं है, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे ये कि कहते नहीं, जैसे कि अब देख लेते हैं कोई नाप तोल वाला, ये तोल अगर मात्रा को बताना, इट का प्रयोग कैसे करते हैं कि 2 किलो है ना, 2 किलो नहीं है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2 किलो नहीं है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर लिखेंगे इट से बनाएंगे यहाँ पर, इट फिर लिख देंगे इज, नॉट लगा देंगे यहाँ पर नॉट, फिर लिख देंगे TOTWO2 और KG, मतलब KG हमने लिख दिया 2 किलो, ठीक है। चाहे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 KG, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो है जैसे कि किसी उसको दर्शाने के लिए कर देते हैं, जैसे कि 50 रुपये नहीं है, कहते नहीं किसी के पास अगर पैसे होंगे तब भी कह देंगे हमारे पास नहीं है पैसे, तो 50 रुपये नहीं है, ये हमने लिख दिया सेंटर यहाँ पर नहीं है। तो हम इसको जो कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इट से बनाएंगे सेंटेंस हम जो है, ये इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। इट इज नॉट, 50 को हम लिखेंगे 50, FIFTY 50, और जो है रुपए को हम लिखते हैं इंग्लिश में रुपीज़, RUPEES, ठीक है, रुपीज़ हो गया, RU है ना, PEES, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। आगे देखते हैं हम जो है इसके, ये इसमें देखते हैं आगे जो है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं अब देख लेते हैं इसके अंदर हम जो है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, ये सपोज हमने लिखा यहाँ पर क्या क्या
शाम का समय नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया नहीं और यहाँ लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दिया मैं इंट्रोगेटिव चिन्ह। अब जैसे कि ये शाम का समय नहीं था तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, था लग गया तो सीधी सी बात है वाच वर्ब का प्रयोग होगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में है और इसमें हम वाच का प्रयोग शुरू में करेंगे। अभी इट के बाद में करते थे वाच का प्रयोग, अब करेंगे इट से पहले करेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ये सेंटेंस, यहाँ पे वाज इट, फिर लिख दिया यहाँ पे नॉट, नॉट में नहीं है, फिर लिख दिया इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग, और यहाँ इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं अगला जो है, अगला सेंटेंस, अगला क्या है, जैसे कि इसमें नोट वाला अभी है ना, इसमें नोट वाला देख लेंगे, क्या कल रात भारी वर्षा हुई, है ना, कहने लिख देंगे यहाँ पे क्या कल रात रात भारी वर्षा वर्षा नहीं हुई, मैंने यहाँ नहीं और जोड़ दिया नहीं और यहाँ लिख दिया हुई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे, देखो कैसे, यहाँ पे हम लगाएंगे डिड का प्रयोग, क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में नहीं आ गया, ठीक है, यहाँ सेंटेंस में वाज था और यहाँ पे कर दिया हमने नहीं, तो यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो गया, तो यहाँ डिड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे डिड इट, इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे नॉट, इसके बाद लिखेंगे रेन, आर ए आई एन रेन, और यहाँ लिखेंगे हैवी, एच ई ए वी आई एल वाई हैवीली, इसके बाद लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लास्ट और नाइट, एन आई जी एच टी, यहाँ पर लगा दिए इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो है कुछ, इसमें जो हम बीच में अगर आता तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सपोज मान के चलो, जैसे ही मैंने यहाँ लिख दिया कि यह अंगूठी तुम्हारी क्यों होगी, मैंने लिख दिया क्यों और यहाँ लिख दिया होगी, मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो हम जो है इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि सेंटेंस में जब कब क्यों कैसे आता है तो उसकी इंग्लिश शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने ये वाई लिख दिया, इसके बाद जब होगी सेंटेंस में गागी गी आ गया तो विल का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे हम विल, ठीक है। इसके बाद इट लगाएंगे, अब हम वी का प्रयोग कर देंगे, इसके बाद लिख देंगे योर लिख दिया यहाँ पे, और इसके बाद अंगूठी आप जानते हैं रिंग होती है, तो यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे रिंग, यहाँ पे लगा दिया हमने इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। ऐसे एक छोटा सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे है इसमें देखते हैं क्या अब यह स्पष्ट है, यहाँ लगा दिया हमने इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। क्या अब यह स्पष्ट है, तो हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे इज का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे इज, यहाँ लगाएंगे इट नाउ, अब क्यों होगी इंग्लिश नाउ स्पष्ट की, आप जानते क्लियर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। इसमें क्या रहता है, वाक्य में क्या होने पर अनुवाद इट जो होता है, इज एम आर वाज वर्ब जो भी कुछ है पहले करते हैं हम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर जो हम इज का प्रयोग कर देंगे, गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पर इज इट नाउ है ना क्लियर, ठीक है। आज ही आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और जो है आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट बिलो, थैंक यू वेरी मच।